So there was this old cabinet that was lying around at my place. I decided to give it a makeover. सबसे first step जो हम लोग करेंगे वो है scrubbing. Scrubbing is very important before you start painting your furniture. So scrubbing अच्छे से होना चाहिए. इसके लिए मैंने मेरे husband से help लिया because it takes a lot of energy. उसके बाद मैंने clean किया एंड देन हम लोग ने इसके ग्लासेस निकाल दिए. लेट्स स्टार्ट पेंटिंग. मैंने यहाँ पे एनिसलोन पेंट्स यूज़ किए हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कलर. कलर शेड एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. मैंने इसको पेंट करने के लिए चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं. चॉक पेंट्स आर वेरी वर्सेटाइल. मतलब आप ये पेंट्स को वॉल्स पे, फर्नीचर, ग्लास, मेटल, वुड, इवन प्लास्टिक, फैब्रिक, आप किसी भी चीज़ पे ये चॉक पेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इनका फिनिश इज़ वेरी नाइस. मतलब आप इफ़ यू आर न्यू टू पेंटिंग ऑल्सो, तभी भी आप यू नो कोई भी डायरेक्शन में कैसे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं. एंड रियली द फिनिश इज़ वेरी नाइस. आई एम पुटिंग मास्किंग टेप ऑन ऑल द साइड्स सो दैट वाइट डजंट कम आउट. वाइट पेंट स्टार्ट करने में मैंने रोलर का यूज़ करके देखा. द ब्रश वॉज मच बेटर एंड जो ब्रश के स्ट्रोक्स थे वो काफ़ी मतलब अच्छे से सारी तरफ फैला रहे थे पेंट को. बट रोलर ऐसा काम नहीं कर रहा था. सो रोलर प्लीज़ मत यूज़ करिएगा आप लोग. प्लीज़ यूज़ ब्रश ओनली. ये देखिए सेकंड कोट मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे मेरे टर्कोइज ब्लू का. एंड इसमें भी रोलर ने बहुत अननेसेसरी मार्क्स दिए हैं. सो मेरी बहुत मेहनत लगी उसको प्लेन फिनिश लाने में. लेट्स बिगिन विथ स्टेंसिलिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. इसमें भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या यूज़ करना बेटर है, ब्रश और स्पॉन्ज. ओके सो ये देखिए मैंने फर्स्ट वन बिना सोचे समझे ब्रश से स्टार्ट कर दिया था स्टेंसिल. बट प्लीज़ आप लोग डिफरेंस देखिएगा. ये नंबर वन जो मैंने बनाया है दिस इन दिस आई हैव यूज्ड ब्रश. अब आप ये देखिए कितना घुला मिला सा लग रहा है. द गोल्डन कलर डेफिनेटली इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. बट आप डिफरेंस देखिएगा. When I'm using the sponge, just look at the finish. That's the difference. Ye dekhiye. Now just compare it. मुझे ज़्यादा golden का touch नहीं देना था. इसके लिए मैंने ये ऊपर की top line खाली दिया. Finishing touches बहुत important हैं आपको brush से करने पड़ेंगे because कोई कोई बारी जो आप स्पॉन्ज से करते हैं उसमें वो फिनिश नहीं आता. वंस वी आर फिनिश्ड पेंटिंग अ फर्नीचर, पेंट्स को सील करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वैक्स का यूज़ करेंगे. आई एम यूजिंग एनिसलॉन क्लियर वैक्स. आफ्टर अप्लाइंग द वैक्स वी यूज अ कॉटन क्लॉथ टू रिमूव द एक्सेस वैक्स. ये देखिए ये अब मेरा फाइनल लुक है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट करके जरूर बताना. एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल. गुड बाय.